गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 9 फलों का दरबार। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने इसमें जो है इसका अभ्यास कार्य भी देखा है। आज जो है हम इस पाठ से एक प्रश्न एक गद्यांश पढ़ेंगे और उसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वो उसका जवाब आपको देना है। तो देखिए ध्यान से प्रश्न क्रमांक 3 ध्यान से सुनिए और बताइए। शुद्ध भाव क्रम यहाँ पर आपको जो है ध्यान से सुनना है और जो है जो मैं प्रश्न पूछूंगा उसके जवाब आपको देना है। तो देखिए फल स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। हमें अपनी नियमित दिनचर्या में फलों को अवश्य सम्मिलित कर लेना चाहिए। प्रत्येक फल में पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्राय लोग फलों को खाने का सही तरीका नहीं अपनाते, इस कारण फल उतना फायदा नहीं पहुंचा पाते जितना पहुंचाना चाहिए। यदि फलों को खाने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखी जाए तो निश्चित रूप से फल हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, जैसे सीमित मात्रा में खाना, समय पर खाना, धोकर खाना आदि। देखिए फल जो है हमारे शरीर के लिए क्या है, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, बहुत ही फायदेमंद होते हैं और हमें हमारी नियमित दिनचर्या में यानी हमारे रोजाना के जीवन में जो है हमें फलों का सेवन करना चाहिए। हमारे जो हमारा जो आहार होता है उसमें हमें फलों को सम्मिलित करना चाहिए, उसका समावेश हमारे आहार के अंदर करना चाहिए। और जो प्रत्येक फल होता है उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। फलों में जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्राय जो लोग होते हैं वो फलों को खाने का सही तरीका नहीं जानते, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फलों को खाने का सही तरीका नहीं जानते और नहीं वो ना ही उस तरीके को जानकर अपनाते, इस कारण फल जो है उन्हें उतना फायदा नहीं पहुंचा पाते जितना कि पहुंचाना चाहिए। अगर हम जो है फलों को खाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखें तो हमें जो है फल जो है निश्चित रूप से जो है हमारे हमें जो है फायदा पहुंचाएंगे। अब देखिए जैसे कि जो है जो फल हम खाने वाले हैं वो सीमित मात्रा में खाना चाहिए, मतलब क्या है जितनी आवश्यकता है उतना ही खाना चाहिए, जैसे कि एक या दो, इससे ज्यादा खाना चाहिए क्या नहीं। समय पर खाना चाहिए, मतलब क्या है जो समय उसके लिए ठीक होगा उस प्रकार ही खाना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि केला खाने का सही समय रात का समय है क्या, जी नहीं, रात के समय हम अगर केला खाएंगे तो हमारे पेट में क्या हो जाएगी, गैस बन जाएगी। इस प्रकार से हमें जो है फल खाने का सही समय भी मालूम होना चाहिए और जो है फल जो होते हैं उसे हमें धोकर खाना चाहिए। अब देखिए एक कुछ प्रश्न दिए गए इसमें, प्रश्न देखिए फल हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, फल हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, बताइए फल हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं। जी हाँ, ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, फल जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा। तो आप यहाँ पर ऊर्जा लिखिए, आपको ये आपके नोटबुक पर लिखना है। प्राय लोग क्या नहीं जानते, प्राय लोग क्या नहीं जानते बताइए, लोग क्या नहीं जानते, आजकल के जो लोग होते हैं वो क्या नहीं जानते। देखिए प्राय लोग फलों को खाने का सही तरीका नहीं अपना, मतलब सही तरीका नहीं जानते, है ना, फलों को खाने का सही तरीका। देखिए फिर प्राय लोग फलों को खाने का सही तरीका नहीं जानते। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक, फलों को खाने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, फलों को खाने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, बताइए फलों को खाने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए फलों को खाने से पहले यहाँ पर ध्यान है, फलों को खाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से बात है, देखिए सीमित मात्रा में खाना, समय पर खाना और धोकर खाना,
आदि। ठीक है, सीमित मात्रा में खाना, समय पर खाना, धोकर खाना आदि। इस प्रकार से ये पाठ हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।